इसमें ये वाला बात होगी जो टेन पाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट में क्या दिया है, बाल पर रजिस्टर्स 10 ओम, तो आर की वैल्यू आ गई 10 ओम। उसके बाद इंडक्टर एल और मार्क्ड 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50 हर्ट्ज, पाई का वैल्यूज कितना है दैट इज पाई बाय 4। ओके, तो कैलकुलेट द एल। तो 10 पाई इक्वल्स टू क्या होता है, बियर। तो इस जगह पे आई नॉट इंटू एक्सेल करते हैं, तो आई नॉट इंटू आर, एक्सेल अपॉन आर, एक्सेल इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर। तो 10 पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 × 3.14, एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज इंटू एल अपॉन आर के वैल्यू 10, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू 3.14 × 100 आ रहा है। हाँ बेटा, उसमें एल के वैल्यू कितना रहे बेटा, एल के वैल्यू सॉल्व करके कितना रहे, दैट इज 0.03 अराउंड आ जाएगा ना, तो अराउंड आएगा 0.03 हेनरी। पॉइंट कितना आएगा, 0.03 हेनरी आएगा अप्रोक्सीमेट। 0. कितना बेटा लिख के, हाँ 0.031 होगा ना, हाँ 0.031। ठीक है, दैट मीन्स इसमें दिखाई दे रहा है कि इसका कोई जरूरत नहीं था, बाकी सब चीज का जरूरत था। तो क्लियर हो गया ना, यस और नो? अच्छा ओके गुड, ये वाला भी सबकी का ही।